डायरी का एक पन्ना 26 जनवरी 1931। 26 जनवरी, आज का दिन तो अमर दिन है। आज ही के दिन सारे हिंदुस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था और इस वर्ष भी उसकी पुनरावृत्ति थी, जिसके लिए काफी तैयारियां पहले से ही की गई थी। गत वर्ष अपना हिस्सा बहुत साधारण था, इस वर्ष जितना अपना दे सकते थे दिया था। केवल प्रचार में 2000 रुपया खर्च किया गया था। सारे काम का भार अपने समझते थे, अपने ऊपर है, और इसी तरह जो कार्यकर्ता थे उनके घर जा जाकर समझाया गया था। बड़े बाजार के प्राय मकान पर राष्ट्रीय झंडा फहरा रहा था और कई मकान तो ऐसे सजाए गए थे कि ऐसा मालूम होता था कि मानो स्वतंत्रता मिल ही गई हो। कलकत्ते के प्रत्येक भाग में ही झंडे लगाए गए थे। जिस रास्ते से मनुष्य जाते थे उसी रास्ते में उत्साह और नवीनता मालूम होती थी। लोगों का कहना था कि ऐसी सजावट पहले नहीं हुई। पुलिस भी अपनी पूरी ताकत से शहर में गश्त देकर प्रदर्शन कर रही थी। मोटर लारियों में गोरखे तथा सार्जेंट प्रत्येक मोड़ पर तैनात थे। कितनी ही लारियां शहर में घुमाई जा रही थी। घुड़सवारों का प्रबंध था, कहीं भी ट्रैफिक पुलिस नहीं थी। सारी पुलिस को इसी काम में लगाया गया था। बड़े बड़े पार्कों तथा मैदानों को पुलिस ने सवेरे से ही घेर लिया था। मोनूमेंट के नीचे जहां शाम को सभा होने वाली थी, उस जगह को तो भोर में 6 बजे से ही पुलिस ने बड़ी संख्या में घेर लिया गया। पर तब भी कई जगह तो भोर में ही झंडा फहराया गया। श्रद्धानंद पार्क में बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ा तो पुलिस ने उनको पकड़ लिया तथा और लोगों को मारा या हटा दिया। तारा सुंदरी पार्क में बड़ा बाजार कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री हरीश चंद्र सिंह झंडा फहराने गए पर वे भीतर न जा सके। वहां पर काफी मारपीट हुई और 2-4 आदमियों के सर फट गए। गुजराती सेविका संघ की ओर से जुलूस निकाला गया जिसमें बहुत सी लड़कियां थी, उनको गिरफ्तार कर लिया। 11 बजे मारवाड़ी बालिका विद्यालय की लड़कियों ने अपने विद्यालय में झंडोत्सव मनाया। जानकी देवी, मदालसा बजाज नारायण आदि भी गई थी। लड़कियों को उत्सव का क्या मतलब था समझाया गया। एक बार मोटर में बैठकर सब तरफ घूमकर देखा तो बहुत अच्छा मालूम हो रहा था। जगह जगह फोटो उतर रहे थे, अपने भी फोटो का काफी प्रबंध किया था। 2-3 बजे कई आदमियों को पकड़ लिया गया जिसमें मुख्य पूर्णोदास और पुरुषोत्तम राय थे। सुभाष बाबू के जुलूस का भार पूर्णोदास पर था पर यह प्रबंध कर चुका था। स्त्री समाज अपनी तैयारी में लगा था। जगह जगह स्त्रियां अपना जुलूस निकालने की तथा ठीक स्थान पर पहुंचने की कोशिश कर रही थी। मोनूमेंट के पास जैसा प्रबंध भोर में था वैसा करीब 1 बजे नहीं रहा। इससे लोगों को आशा होने लगी कि शायद पुलिस अपना रंग न दिखलावे, पर वह कब रुकने वाली थी। 3 बजे से ही मैदान में हजारों आदमियों की भीड़ होने लगी और लोग टोलियां बना बनाकर मैदान में घूमने लगे। आज जो बात थी वह निराली थी। जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ है तब से आज तक इतनी बड़ी सभा ऐसे मैदान में नहीं गई थी, और यह सभा तो कहना चाहिए कि ओपन लड़ाई थी। पुलिस कमिश्नर का नोटिस निकल चुका था कि अमुक धारा के अनुसार कोई सभा नहीं हो सकती। जो लोग काम करने वाले थे उन सबको इंस्पेक्टरों के द्वारा नोटिस और सूचना दे दी गई थी कि आप यदि सभा में भाग लेंगे तो दोषी समझे जाएंगे। इधर काउंसिल
की तरफ से नोटिस निकाला गया था कि मोन्यूमेंट के नीचे ठीक 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा तथा स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। सर्वसाधारण की उपस्थिति होनी चाहिए। खुला चैलेंज देकर ऐसी सभा पहले नहीं की गई थी। ठीक 4:10 पर सुभाष बाबू जुलूस लेकर आए। उनको चौरंगी पर रोका गया, पर भीड़ की अधिकता के कारण पुलिस जुलूस रोक न सकी। मैदान के मोड़ पर पहुंचते ही पुलिस ने लाठियां चलानी शुरू कर दी। बहुत आदमी घायल हुए। सुभाष बाबू पर भी लाठियां पड़ी। सुभाष बाबू बहुत जोरों से वंदे मातरम बोल रहे थे। ज्योतिर्मय गांगुली ने सुभाष बाबू से कहा, आप इधर आ जाइए। पर सुभाष बाबू ने कहा, आगे बढ़ना है। यह सब तो अपनी सुनी हुई लिख रहे हैं, पर सुभाष बाबू का और अपना विशेष फासला नहीं था। सुभाष बाबू बड़े जोर से वंदे मातरम बोलते थे। यह अपनी आंख से देखा। पुलिस भयानक रूप से लाठियां चला रही थी। क्षितिज चटर्जी का फटा हुआ सिर देखकर तथा उसका बहता हुआ खून देखकर आंख मिच जाती थी। इधर यह हालत हो रही थी कि उधर स्त्रियां मोन्यूमेंट की सीढ़ियों पर चढ़ झंडा फहरा रही थी और घोषणा पढ़ रही थी। स्त्रियां बहुत बड़ी संख्या में पहुंच गई थी। प्राय सबके पास झंडा था। जो वॉलंटियर गए थे वे अपने स्थान से लाठियां पड़ने पर भी हटते नहीं थे। सुभाष बाबू को पकड़ लिया गया और गाड़ी में बैठाकर लाल बाजार लॉकअप में भेज दिया गया। कुछ देर बाद स्त्रियां जुलूस बनाकर वहां से चली। साथ में बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई थी। बीच में पुलिस कुछ ठंडी पड़ी थी। उसने फिर डंडे चलाना शुरू कर दिया। अब की बार भीड़ ज्यादा होने के कारण बहुत आदमी घायल हुए। धर्मतल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस टूट गया और करीब 50-60 स्त्रियां वहीं मोड़ पर बैठ गई। पुलिस ने उनको पकड़कर लाल बाजार भेज दिया। स्त्रियों का एक भाग आगे बढ़ा जिसका नेतृत्व विमल प्रतिभा कर रही थी। उनको लहू बाजार के मोड़ पर रोका गया और वे वहीं मोड़ पर बैठ गई। आसपास बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई थी जिस पर पुलिस बीच बीच में लाठी चलाती थी। इस प्रकार करीब 1.25 के बाद पुलिस की लारी आई और उनको लाल बाजार ले जाया गया। और भी कई आदमियों को पकड़ा गया। विज लाल गोयन का, जो कई दिन से अपने साथ काम कर रहा था और दमदम जेल में भी अपने साथ था, पकड़ा गया। पहले तो वह झंडा लेकर वंदे मातरम बोलता हुआ मोन्यूमेंट की ओर इतनी जोर से दौड़ा कि अपने आप ही गिर पड़ा और उसे एक अंग्रेजी घुड़सवार ने लाठी मारी, फिर पकड़कर कुछ दूर ले जाने के बाद छोड़ दिया। इस पर वह स्त्रियों के जुलूस में शामिल हो गया और वहां पर भी उसको छोड़ दिया। तब वह 200 आदमियों का जुलूस बनाकर लाल बाजार गया और वहां पर गिरफ्तार हो गया। मदालसा भी पकड़ी गई थी। उसे मालूम हुआ था कि उसको थाने में भी मारा था। सब मिलाकर 105 स्त्रियां पकड़ी गई थी। बाद में रात को 9 सबको छोड़ दिया गया। कलकत्ता में आज तक इतनी स्त्रियां एक साथ गिरफ्तार नहीं की गई थी। करीब 8 खादी भंडार आए तो कांग्रेस ऑफिस में फोन आया कि यहां बहुत आदमी चोट खाकर आए हैं और कई की हालत संगीन है, उनके लिए गाड़ी चाहिए। जानकी देवी के साथ वहां गए। बहुत लोगों को चोट लगी हुई थी। डॉक्टर दास गुप्ता उनको देख रेख तथा फोटो उतरवा रहे थे। उस समय 67 आदमी वहां आ चुके थे। बाद में तो 103 तक आ पहुंचे। अस्पताल गए, लोगों को देखने से मालूम हुआ कि 108 आदमी तो अस्पताल में पहुंचे और जो लोग घरों में चले गए थे वे अलग हैं। इस प्रकार 200 घायल जरूर हुए हैं। पकड़े गए आदमियों की संख्या का तो पता ही नहीं चला, पर लाल बाजार के लॉकअप में स्त्रियों की संख्या 105 थी। आज तो जो कुछ हुआ वह अपूर्व हुआ है। बंगाल के नाम या कलकत्ता के नाम पर कलंक था,
कि यहां काम नहीं हो रहा है। वह आज बहुत अंश में धुल गया और लोग सोचने लग गए कि यहां भी बहुत सा काम हो सकता है।